अली कील इसके अंदर। और यार ये जो टायर है एक्चुअली में काफी हार्ड है, अगर कोई आएगा तो क्या सोचेगा कि खुद ही गाड़ी में कील क्यों ठोक रहे। तो भाई पहली कील हमारी टायर के अंदर घुस चुकी है और अभी तो ना तो मुझे कुछ हवा की आवाज सुन रही है, कोई आवाज नहीं सुन रही, लेकिन टायर हमारा पंक्चर तो हो चुका है इस कील से। और अभी तो एक कील ठुकी है, अभी तो 49 कील ठुकना बाकी है। दो फाइनली हमने इस टायर के अंदर 50 कील ठोक दी है, 1-2-4 कील ज्यादा ही होंगी, कम नहीं है। और आप लोग देखो कि अब पूरे टायर के ऊपर कील ही कील हो रखी है, गाड़ी को थोड़ा हमने आगे पीछे भी किया है और यार यहाँ से लेकर और पूरा यहाँ तक देखो नेल्स ही नेल्स दिख रही हैं। लेकिन फिर भी अभी जो गाड़ी है उसके टायर की हवा खत्म नहीं हुई है, हमको जो है यहाँ पर 1 घंटे के आसपास हो चुका है कीले ठोकते हुए। तो यार एक बात है, ये जो ट्यूबलेस टायर है ना काफी झेल गया भाई, नॉर्मल टायर होता तो 2 मिनट में हवा निकल जाती, लेकिन 1 घंटे से 50 कील ठुकी हुई है। तो अब इसको आगे चलाते हैं और देखते हैं कि क्या ये कीले पूरी अंदर घुस जाएंगी या नहीं। वो कील अंदर घुसी है क्या? हाँ। तो भाई मैंने जो है थोड़ा तेज रफ्तार में चला दिया और यहाँ पर देखो जो कीले हैं भाई साहब वो टायर के अंदर घुस गई पूरी की पूरी। कुछ कुछ कीले बची हैं, ये या तो देखो ऐसे मुड़ गई होंगी और जो किनारे पर है वो बची हैं, लेकिन यहाँ पर देखो मैक्सिमम कीले अंदर जा चुकी हैं टायर के। ओ भाई साहब, और बहुत तेज हवा निकल रही है, पास आओ एक बार देखो, पैर की आवाज मत करो। देखो कंटिन्यू यहाँ पर जो है हवा का सुरसुराहट हो रहा है। तो अब इस गाड़ी को चलाते हैं थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर और उसके बाद में देखते हैं इसकी हवा नापते हैं कि कितनी बची है, अभी तो है इसमें चलने लायक। तो भाई साहब 4-5 किलोमीटर गाड़ी को चलाने के बाद में अब मैं गाड़ी की टायर की हालत आपके साथ ही देख रहा हूँ। और आपको सही बताऊं तो हवा तो निकली है, लेकिन फिर भी अभी जो टायर है वो एकदम नीचे नहीं दबा, देखो काफी नीचे चला गया ये। तो भाई अगर आप अनफॉर्चुनेटली फंस जाते हो अपनी गाड़ी में कील या स्क्रू ठुकने की वजह से, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी गाड़ी में 50 कील ठुकने के बाद भी ये जो है भाई साहब इतना देर चल गई, 1.5 घंटे झेल गई, मतलब कि ज्यादा इतनी दिक्कत तो नहीं है। आपकी गाड़ी आराम से पंक्चर सही करने वाले के पास में चली जाएगी और आप उसको सही करवा सकते हैं, लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ ट्यूबलेस टायर के साथ।